तो चैनल गाइस, मैं आज एक डिलीवरी करने जा रहा हूँ गाड़ी की। एंड उसमें अराउंड 165 किलोमीटर है महीसागर। अगर अहमदाबाद में जो रहते हैं उनको पता है महीसागर कितना दूर है यहाँ से। और वहाँ का जो मतलब सिटी का नाम जो पड़ा है महीसागर, वो वहाँ के नदी की वजह से पड़ा है, जो माही नदी है नाम उसका। सो मैं आगे का सफ़र बताता हूँ। जैसे जैसे अभी जस्ट टाइम हुआ है अराउंड 8 बज गए होंगे, जैसे जैसे हम मैं जाता है मेरा सफ़र कैसा रहता है, हम क्या एंजॉय करते हैं आपको बता देता हूँ। लेट्स गो। हर्ष हमारे साथ था बट इस बार ये आ नहीं रहा गाइस, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है गाइस, मैं इस बार जा नहीं पा रहा गाइस। देखो टिफिन लेकर घर जा रहा हूँ गाइस। तबियत खराब है थोड़ी, पाँव दुख रहे थोड़े से, अभी गाड़ी नहीं चलाने वाला, थोड़े दिन रेस्ट ले रहे। ये भाई जा रहा है, कृष्णा जाएगा। मेरे को ब्लॉगिंग की बहुत याद आएगी गाइस, तो मिलते हैं अभी, देखना आगे क्या ब्लॉग करता है कृष्णा, और जरूर बताना कैसा लगा, कमेंट जरूर करना। बाकी चलो हम निकलते हैं घर, अब ये जा रहे हैं वहाँ पे। कितने दूर है भाई? अराउंड 165। सो फाइनली गाइस, यहाँ से हम निकल रहे हैं। सो फ्यूल वगैरह भरवा के हम यहाँ से निकल रहे हैं अहमदाबाद से। अराउंड 4 घंटे तो लगने वाले हैं। और हमने बात की तो वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा हो रही है वहाँ पे। सो चाबी वड़े बोलो ना, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि रास्ता कैसा है, बारिश है कि नहीं है वहाँ पे। जस्ट बात की तो एक जो फ्लाईओवर है वो मतलब टूट गया है। सो हमें शॉर्टकट या दूसरे कोई रास्ते से देव पूरा करके कुछ हाईवे है वहाँ पे, वो पुल टूट गया है, तो हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या मुश्किलें आती है हमें पहुँचने के लिए वहाँ पे। सो कीप वॉचिंग एंड कनेक्ट रहिए। सो सुबह के अराउंड 3 से 4 बजे हैं, और यहाँ से चलते मेट्रो स्टेशन से मैं निकल रहा हूँ वैष्णो देवी। फिर वैष्णो देवी से दोस्तों को पिकअप करके फिर मैं निकल जाऊँ, मतलब वहाँ से मुझे वो पिकअप करेंगे और फिर हम निकलेंगे महीसागर के लिए। सो रात का प्लान जो था हमारा वो कैंसिल हो गया था ड्यू टू बारिश ज़्यादा थी, और हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि आज नहीं जाएंगे, कल आप सुबह सुबह जल्दी निकल जाना क्योंकि रात का टाइम है। सो हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं महीसागर के लिए। सो लेट्स गो, तो आपको दिखाता हूँ। स्पीड से हमें गाड़ी चलानी पड़ रही है ड्यू टू फॉग। सो देखते हैं अभी कितने, यहाँ से अराउंड 1.5-2 घंटे का रास्ता है, अराउंड 98 किलोमीटर से है यहाँ से। तो चलते हैं गाइस, आपको अभी मतलब जैसे दिन हो जाता है दिन का ही नज़ारा दिखा देता हूँ। बाकी नाइट सफ़र में थोड़ा मज़ा आता है, ट्रैफिक नहीं रहती है, कुछ अड़चने आती है थोड़ी बहुत, बट रात का सफ़र का मज़ा कुछ और ही है। अभी लग रहा है थोड़ा हवा कम है, तो हम हवा भरवा रहे हैं अभी कार में, जैसे ही हवा भर जाएगी तो अपने ऊपर से हम हवा चेक कर रहे हैं दोबारा कि ओके है कि नहीं है। मॉर्निंग होने वाली है, तो सब में 35-35 कर रहे हैं हम भाई। सामने की तरफ आप देख सकते हो कितना फॉग है, कुछ दिख ही नहीं रहा। मोर की आवाज सुन सकते हो। हार्दिक गाड़ी चला रहा है।
गाइस। शंकरपुरा कुछ आया है, शंकरपुरा आगे गांव है। थोड़ी दूर लेफ्ट लेना है। ओहो, क्या नजारा है। बहुत ही बढ़िया नजारा गाइस। हमने लेफ्ट वाला रास्ता चुन लिया क्योंकि राइट वाले रास्ते का पुल थोड़ा मतलब गिर गया है, तो उस रास्ते से हम जा नहीं सकते। तो हमने मोड़ासा वाला रास्ता चुन लिया है, तो अभी हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। अब मैप में भी दे सकते हैं, रेड मार्क किया है, मतलब कि पुल गिर गया है वहाँ का। चलो फिर ये वाला रास्ता देखते हैं। रास्ता तो बहुत क्लियर है, अच्छा है मोड़ासा वाला। यहाँ से हमें वीरपुर पहुँचना है, वीरपुर से फिर सीधा ही रास्ता है। अराउंड पहुंच गए हम 21 किलोमीटर। जो मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने का, बहुत बढ़िया है। सिर्फ घूमने का ही मज़ा आया बैठ के, इतने नज़ारे अच्छे हैं। चलने का तो दूरी दूर की बात है, बट गाड़ी में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मैंने देखा ही होगा कि मैं वीडियोस डाला हूँ, उसमें आपको आगे से कितने नज़ारे बढ़िया बढ़िया आपको दिख रहे हैं। माही रिवर आ रही है गाइस। रुको, पुलिस वाले क्या बोलते हैं देखते हैं। ये भी टूट गया क्या? यहाँ पे भी रूट बंद है, आगे पुल आप देख रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। एंड रिटर्न यहाँ से हमें जाना पड़ेगा दूसरे रूट से। रास्ता क्लोज होने की वजह से हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, दूसरा रोड पकड़ना पड़ेगा यहाँ से भी। अभी दिखाता हूँ, बहुत ही परेशानी आ रही है यहाँ पे। ऐसा हो तो ले लेना भाई के, भाई क्रॉसिंग बंद है। सो कुछ पानी की बोतल, पानी वगैरह पी के अभी रिट गए अपने को। तो रास्ते हमको बंद मिले तीन ब्रिज ना ना यही किधू हमार गाड़ी है कौन ही ले किधू ये लोग। हाँ आता तो बोल जा। सो यहाँ से आगे हमें जाना है मूनपुर आश्रम शाह, वहां से डैम के रास्ते थ्रू हम जाएंगे डेस्टिनेशन पे। रिस्क नहीं लेंगे भाई अभी। वो पेट्रोल पंप एक तो दिख गया है मुझे यहाँ पे। हमें डैम मिल गया है, रास्ता डैम की तरफ का।
કિલોમીટર હશે બાપુ? એમને કેટલા કિલોમીટર હશે? ડેમ ઉપર થઈને દેવડા જવા માટે સીધા સીધા डैम के पास आ गए हैं एंड यहाँ से आप पीछे देख रहे हैं मेरे डैम हैं, तो यहाँ से अभी हम राइट वगैरह लेके ऊपर जाएंगे, तो दिखाता हूँ डैम वगैरह। पहली बार मैं किसी डैम से ऊपर से जा रहा हूँ, देख गए ना ये क्या? प्लीज सेलेक्ट द पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस। बाकी इससे बड़ा डैम आएगा? દેવડા કેટલા કિલોમીટર હશે? દેવડા 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 છે મને ત્યાંથી गाइस हम अभी डैम पे है, डैम क्रॉस कर रहे हैं। ये सेकंड डैम है पे रुकने देंगे नहीं है शायद। खिड़की खोलू कैमरे बाहर मत निकल।
कहीं रुका देना जहाँ से मैं वीडियो ले सकूं। इधर से नहीं आगे रुकता, इधर चिल्ला पुलिस एक इस साइड देख पीछे पानी वहाँ पे। हाँ वही बोल रहा हूँ, बाहर निकाल के रोकना। डैम का भरोसा, डैम का भरोसा नहीं लगता। हाँ यहाँ रुक के देख लो। चलो गाइस थोड़ा मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। दो मिनट। गाइस पानी वगैरह देख लीजिए, ये वाला पानी वगैरह यहाँ पर बहुत है डैम। पुलिस वाला बोल रहा है कि चले जाओ आगे, ज़्यादा ये करना नहीं है। पानी देख सकते हो, निकल जाएंगे अभी। सो ये था कड़नरा रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। पूछना पड़ेगा। हम पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे, देवड़ा कॉलोनी। ये कर दे मुझे प्रोसेस। गाइस गांव का माहौल कुछ ऐसा रहता है। ये सागवान है, सागवान बहुत महंगा। अगर के देवड़ा गांव के आसपास कहीं ये हमारा डेस्टिनेशन था। सो यहाँ से हम निकल रहे हैं, अराउंड 4 घंटा तो लगा ड्यू टू जो ब्रिजेस थे वो क्लोज थे, इसके वजह से हमें थोड़ा टाइम लगा। एंड बट फाइनली हम इतने अच्छे व्यू डैम क्रॉस करने के बाद
डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अब यहाँ से तुरंत प्रोसेस ख़त्म करके हम निकल रहे हैं रिटर्न अहमदाबाद के लिए। अराउंड 3-4 घंटा तो लगेगा फिर से अहमदाबाद पहुंचने के लिए मुझे। गांव की हवा तो भाई एकदम प्योर, दिल खुश हो गया मेरा।